तो गाइस क्या करें, हम लोग के पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं, सही रियल बात है, है क्या? एक था हमारी मम्मी ने, मेरे मम्मी आज की ब्लॉग हमने जो स्टार्ट किया है वो कुछ ऐसा किया है कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े फीचे पड़े हैं और वहाँ सोनल चार बाल्टी में कपड़े को डाली हुई है। सारा कपड़ा हमारा जो भी विंटर में था, जो भी कभी कभी गंदा हुआ था, नहीं हुआ था, आज सोचा धूप अच्छा किया, गर्मी आ गई है तो हमने सोचा कि क्यों ना अच्छे से फ्रीज के इसको अच्छे से करके गर्मी में डाल दें। ये एक बाल्टी, दो बाल्टी और एक बाल्टी वहाँ है और एक बाल्टी अभी सोनल ने यहाँ कंप्लीट किया जो कि आप यहाँ देख सकते हो, जिसमें मेरे और इसके कपड़े दोनों के हैं और यहाँ पे बेडशीट रखे हुए, इसको भी फिंचना है। तो यहाँ हमारे प्लांट्स देखिए गाइस, ये सोनल की करम आती है क्योंकि ये बंदी क्या कर रही है। तो गाइस क्या करें, हम लोग के पास वॉशिंग मशीन तो है नहीं, सही रियल बात है क्या? एक था हमारी मम्मी ने, मेरे मम्मी पापा ने लिया था तो वो भी ख़राब हो गया, तो अभी थोड़ा फाइनेंशियली बहुत वीक है अभी। तो यार आप लोग का प्यार रहेगा तो वो भी आ जाएगा, तो किसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए कि हम भी एक अच्छा सा वॉशिंग मशीन इसको यूट्यूब से दे सकें। तो आप लोग अपना प्यार दिखाइए ताकि आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा। आप देख सकते हो कि अगर आप लोग का प्यार रहेगा तो हमारे पास वॉशिंग मशीन भी आ जाएगा अच्छा सा। तो इसी तरह प्यार दें, थोड़ा सपोर्ट और आप कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यू करें, अच्छा लगे। अगर कुछ गलती हुई तो हमें बताएं कि हमें क्या सुधार करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं सोनल की पूरी पैर भींग चुकी है कपड़ा फीसे फीसे और ये पूरी तरीके से ये थक गई है। मैडम का पूरा चेहरा धूप से लाल पड़ गया है, पूरा ये गर्म हो गया क्योंकि आप देख सकते हो धूप कितनी कड़ी धूप है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देख सकते हो आखिरकार हमने मतलब हम दोनों ने अपना कपड़ा फींच लिया अपना अपना, और सारे कपड़े सोनल ने ही फींचे हैं। मैंने इसकी अभी इसमें कोई हेल्प नहीं की, थोड़ा बहुत मैंने पसारा है और इसने बोला कि नेक्स्ट वाला जो बाल्टी है ये चादर वाला, ये जो रखा हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सारे कपड़े हैं और एक में सिर्फ बेडशीट है, जो मतलब इसको बिछामन हम लोग बोलते हैं बेडशीट, तो हमारा काम है धोना, मेरा काम है उसको धोना। देख सकते हो इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, देखो इधर, इसीलिए मैं सारा सोनल ने अकेले धोया। आप देखो देखो कपड़े गिन लो यार, वीडियो को पॉज करके आप, एक दिन में इसने धोया और अभी तक हम लोग दोनों कुछ खाए भी नहीं है, भूख भी लग गया हम लोगों को ना।